नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। एक बार फिर चर्चा का विषय बनी सोनू सूद, सड़क हादसे में घायल युवक की ऐसे बचाई जान। लोगों की मदद के लिए सबसे आगे रहने वाले बॉलीवुड सोनू सूद ने एक बार फिर ऐसा काम किया जो मिसाल बन गया। सोनू सूद ने एक घायल आदमी को गोद में उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। जानकारी के अनुसार घटना पंजाब के मोगा के कोटकपुरा बाईपास की है। मोगा के कोटकपुरा बाईपास पर दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही सोनू सूद वहां से गुजरे तो वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर कार में पड़े घायल शख्स को अपने टीम के लोगों की सहायता से गाड़ी से बाहर निकाला। उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाकर उसका इलाज भी करवाया। घायल व्यक्ति की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोनू अपनी बहन और कांग्रेस उम्मीदवार मालविका सूद मोगा के लिए चुनाव प्रचार करने के बाद मंगलवार रात वापस जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर हादसा देखा। कहा जा रहा है कि अगर युवक को समय पर मदद नहीं मिलती तो उनकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता था। दरअसल दुर्घटना के बाद कार का सेंटर लॉक लग जाने की वजह से युवक गाड़ी से बाहर निकल पाने में असमर्थ था। गुरु सेवक सिंह की रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन दे रियल प्रास मेरे को रहा है। ठीक है, शुरू कर लग गया जी। थोड़ा यार करो यार, चलो मैडम आप सर दो जानकारी की नाम है थोड़ा, कित्थों बिलोंग करते हो? आप थले रख दो ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੋਜ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ? ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਭਾਜੀ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ
अपने सुन भाई का धन्यवाद कर इन्होंने घर आए हैं जो कोटकपूरा बाईपास है जो फ्लाईओवर है पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफा जब भी आया हूँ एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट आई थिंक 30 सेकंड्स पहले हुआ होगा पूरा क्रैश था सबने साइड देखा हुआ है और जब मैं अंदर जा रहा था आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी और जो अपना बच्चा है वो एकदम यू नो बहुत ही अनकॉन्शियस था बड़ी अजीब सी साइड थी बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है आपकी दुआएँ होती हैं यू नो फैमिली की सिस्टर की भाइयों की कि सब ठीक था और निकाला तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी बट जब रास्ते में आए पानी वानी दिया उसको ठीक किया हॉस्पिटल में ले गए तो थोड़ा ही कुड गेन इज कॉन्शियस बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर माँ बाप की दुआएं फैमिली की जो दुआएं होती है सब ठीक ही करती है मुझे वैसे ना वीडियो काफ़ी वायरल हो गया लेकिन कितने के बाद हादसा सीधा जो है या आई मुझे लगता है शायद रब करे ना किसी ना हो जिन्हें एक्सीडेंट्स होंगे कुछ होंगे आप हमेशा देखे कई बार लोग जाते नहीं अंदर यू नो डरते हैं कई बार अवॉइड करते हैं कि इस ना जाए पर आई थिंक बड़ी जरूरत है कभी रब ना करे कई अपने फैमिली मेंबर्स ही होंगे बड़ी जरूरत है जाना चाहिए सोचना नहीं चाहिए प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो कोई किसी का बच्चा किसी की माँ किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य होंगे उसके और सारे आना चाहिए इसी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा सर सर लाइट्स की गल की लाइट्स है नहीं गया काफ़ी लंबे समय तुम्हें क्या भी उत्तर लाइट्स है नहीं गया लगता है कि उत्थे लाइट्स की जरूरत हैगी है जो जरूरत होंगी शायद वो एक्सीडेंट ना होंगे उत्थे 100% आई थिंक वो कर्व भी जो है पूरा कोटकपूरा बाईपास थोड़ा डेंजरस है जो मैंने देखा और जो लाइट ना हो तो एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट है जितने गड्डियाँ आदि हैं स्पीड से कर दी ओवरटेक कर दी तो आई थिंक वो सारे ना पहला लगवानी बड़ी जरूरी ने और लाइफ सेव होनी है बड़ा बड़ा मुश्किल है हम हमेशा इंसान लकी नहीं रहता कि जो हो दैन फिर आप सारी जिंदगी ब्लेम करते रहने कि यार यूनो है हादसा हो गया यूनो नहीं होना चाहिए सी बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खासकर उसे उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ध्यान देता है जिस बच्चे ने हादसा आया तो उसकी फैमिली को आडे को लाई है इना बारे उसकी फैमिली नहीं मैं बस इना नु कहूंगा असि धन्यवाद करा स्पेशल सोनू जी दे घर आए हैं बड़ी मुश्किल नाल असि टाइम लेके इना दे घर आए हैं पर असि धन्यवाद करना चाहने हैं भी जगह रे मौके ते ना पहुंचे तक साडा बच्चा सुरक्षित नहीं धन्यवाद नहीं भाई पूरी फैमिली की सबकी जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते और एक्सीडेंट बहुत सीरियस है मैं कहता हूँ हमेशा कहने के ऊपर वाला था जो सब कुछ ठीक किया बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी एक सवाल पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है यानी 11 गुना ज्यादा सड़क हादसा होता है उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पर कंट्रोल कैसे लगाया जाए मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर बट कई बार यू नो हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी में जैसे हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हम लोग तेज चलाते हैं कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलकर करती हैं हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो गाड़ी क्यों गलत चला रहा था सामने वाले की गलती थी गलती सिर्फ एक ही इंसान की होती है लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड और सेफ हो और बेहतर हो और कम से कम जो है सड़क हादसे होनी चाहिए भारत में 95% जो गाड़ियां है
वो सेफ्टी रेटिंग को फॉलो करते ही नहीं है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, सब कुछ पॉल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग को फॉलो नहीं करती है। 5 स्टार नहीं होती है, 4 स्टार नहीं होती है, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बड़े स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। हमने अक्सर देखा कि सेफ्टी बेल्ट तो पहनते ही नहीं, उसका तो फैशन ही नहीं है मुझे लगता है यहाँ पर। बट आई थिंक वो बड़े मैंडेटरी होनी चाहिए, लोग फाइन्स करते हैं, छोटे फाइन्स होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। तो ही हो सकती है, जैसे आपने बोला कि जितने सर्टिफिकेशन चाहिए गाड़ियों के लिए, वो बड़ा मस्त है। बट आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वैसे, बट बात वही है कि जो फैमिली सफ़र करती है उसके ऊपर है। और उस दिन भी अगर हम बात करें, मैं वही सोच रहा था कि जो मैं इनफैक्ट जब आपके भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको नंबर भी ध्यान में नहीं आ रहा था, तो इतना सीवियर शॉक था उसका। तो अगर हम ये नहीं रहते कि आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है, बट उसको अंदर इंटरनली क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या इंजरीज हुई हैं, क्या, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई विश कि सब ठीक हो। सोनू भाजी, जी सिक्योरिटी मेजर्स की गल की है, तुम ये लगता नहीं कि सिर्फ पंजाब च लोग केयरलैस आ उत्थे पंजाब, क्योंकि सरकार कसंजा शिकंजा नहीं कर पा रही। चंडीगढ़ एंटर करते सारी बेल्ट्स लग जाती है सर, सारे पोल्यूशन क्लीयर हो जाता, सब कुछ हो जाता, उत्थे सकता ही ज्यादा लगता है कि पंजाब लैक कर रहा है उसी तो बैकफुट पे। 100% लैक करता है, बिल्कुल वेरी राइटली सेट की, जो चंडीगढ़ जाने फटाफट सेफ्टी बेल्ट लग जाती है। पंजाब चैनल ने उन्हें क्लिप जब बनाया होता है कि सेफ्टी सीट बेल्ट का लगाना, सीट बेल्ट पीछे लगी होती है। मैं कई बार अपने नाम में ट्रैवल करता हूं, मैं भी कहना है सीट बेल्ट लाओ। मैंडेटरी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। और मैं आप देखिए कि जिन्हें भी सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, हमेशा उन्हें सेफ्टी बेल्ट ही होती है जिन्हें लाइफ बचा दी। तो आई थिंक पंजाब सारे नो टॉप प्रायोरिटीज। थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना चाहोगे आप? एक जस्ट सर, मैम थोड़ा लाउड बोलो प्लीज, ठीक है, माइक दूर पे है जी। मैडम की नाम है थोड़ा, तुसी की कहना चाहोगे? आज मेरा नाम पूजा है, कोटकपुरा से हूँ मैं। जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना, पापा वहाँ पे थे, पास में थे, तो पूरी तरह मैं पैनिक हो गई कि हालत जो सुनने में आई कि मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, ही हैज प्रूवन की इज़ अ रियल हीरो। बिकॉज हादसों जब भी कोई घटना हो रही होती है, ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो, जो सामने आए और उन्होंने गोद में उठा के मेरे भैया को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू, यू आर अ सेवियर। इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये रियल हीरो हैं। सिर्फ वीडियो बनाना ही, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप लोगों की मदद कीजिए। और ही इज़ एन इंस्पिरेशन, जो लोगों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें, इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पीपल। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने आगे आके इस तरह से हेल्प किया। आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अच्छी बात है कि सब आप लोग ठीक है। परिवार को बोलते हैं कि जब ऊपर वाला है साथ में तो क्या टेंशन है, सब अच्छा ही होगा। अभी ठीक है अपना एक्सीडेंट जब आपके साथ वो हॉस्पिटल में आया तो उसको ये भी नहीं पता था भी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। वो इतना मतलब कॉन्शियस हो चुका था, वो उसको कुछ नहीं पता था एक्सीडेंट हो रहा है। जब मेरे से फ़ोन पे बात की तो ये बोल रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं एक्सीडेंट हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैनू बिल्कुल यही बोल रहा है मैं ठीक हूँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, अपनी कार का एक्सीडेंट होया, मतलब सुरत च नहीं सिखाओ बिल्कुल भी। उस तो बाद जो स्वेलिंग आई है हूँ उन्होंने पता लग रहा है भी मेरे कोई चोट लगी है, शीशे नालों का सिर वजे, शीशा टुट गया, फ्रंट शीशा, गड्डी मतलब टोटल लॉस है। कोई तो गड्डी देखोगे कोई उम्मीद नहीं सी, कोई बच्चे दोनों की बचे। सोनू जी आप मौके पर थे, दूसरी जो गाड़ी वाले थे वो कहीं नजर नहीं आए, जो वीडियो भी वायरल हुई तो उनका कोई स्टेटस पता लगा जी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है जी, कल उनसे बात हुई है हमारा, उनसे उनको पैसे दिए, उनका राजीनामा हुआ हमारे से, उनकी गाड़ी मतलब उनका कसूर नहीं निकला, ये ओवरटेक कर रहा था गाड़ी उनको, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई चोट नहीं, उनकी गाड़ी का नुकसान नहीं। लोकल मौका की गाड़ी जो बचा है वो सिर्फ सोनू भैया की वजह से, अगर ये टाइमली वहाँ पे पहुँच के उनको नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता है। ਸੁਣੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੋ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹਿਨੇ ਜੋ ਆਪਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੀ ਸੇਫਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਉਨਕੋ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਨਕੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ
जो परिवार है पूरा खत्म हो जाता है। मैं बस यही कहूँगा कि ड्राइव सेफ, ठीक रहे आप हमेशा, और जब भी आप घर से निकलते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके घर वाले जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बाइक्स पे जाते हैं तो हेलमेट पहनिए, गाड़ियों पे जाते हैं सीट बेल्ट लगाइए, अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों के लिए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।